कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब 17 से सीधे 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जुलाई से कर्मचारियों को नॉर्मल महंगाई भत्ता मिलेगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का आधिकारिक ऐलान होगा। ये सोर्सेस के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही है। आमोद राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर। निश्चित तौर के समीप जो पिछले 1 साल से उनको डीए मिलना बंद हो गया था, वो 3 तिमाही में इनको डीए नहीं मिला है। 3% के हिसाब से भी जोड़े तो ये तीसरी तिमाही भी क्रॉस कर चुका है। तो केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत उनको दी है और सीधे 11% डीए बढ़ा दिया है। थोड़ी देर में इसका ऐलान भी हो जाएगा। तकरीबन 3 बजे अनुराग ठाकुर जो INB मिनिस्टर हैं वो इसकी घोषणा करेंगे, सूत्र बताते हैं। लेकिन ये उनके लिए एक बड़ा राहत है क्योंकि अब सीधे उनको जो अब तक 17% मिलता था डीए, अब उनको बढ़कर मिलेगा 28% डीए। हालांकि इसमें एरियर नहीं मिलेगा, ये उनके लिए नुकसान की खबर है। फिलहाल एरियर पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उनका जो नुकसान पिछले 1 साल में हुआ था उसको उसकी भरपाई केंद्र सरकार ने कर दिया है और सीधे 11% डीए बढ़ाने के बाद 28% डीए उनको एक ठीक है, यानी 17 से 28 फीसदी डीए कर दिया गया है। और इसका लाभ किस महीने से मिलेगा आमोद? देखिए समीर, 1 जुलाई से ये लागू होगा और अब इस क्वार्टर से लगातार उनको डीए बढ़ा हुआ मिलेगा। अगले महीने की तनख्वाह जो आएगी उसमें जोड़कर उनको ये सारा सैलरी का हिस्सा होगा और पार्ट होगा और उनको मिलेगा। तो जो अब तक का नुकसान 1 साल का हुआ है वो खत्म हो गया। 1 जुलाई से उनको नॉर्मल सैलरी में जोड़कर ये डीए मिलेगा 28% के हिसाब से। ठीक है आमोद, इस जानकारी और अपडेट के लिए आपका फिलहाल शुक्रिया। 1 जुलाई से कर्मचारियों को नॉर्मल महंगाई भत्ता मिलेगा। निश्चित तौर पर ये एक राहत भरा फैसला और सरकारी जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी थे, जाहिर है इस फैसले का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। अब महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28 फीसदी कर दिया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।